नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन नरेश कार्ल गुस्ताव से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र वापसी का आज अंतिम दिन। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से देश भर में शुरू होगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वीडन नरेश कार्ल गुस्ताव से बातचीत करेंगे। स्वीडन नरेश और महारानी सिल्विया 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी स्वीडन नरेश से मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। स्वीडन नरेश गुस्ताफ की भारत की यह तीसरी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत और स्वीडन के बीच 3 अरब 37 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। दोनों देशों के बीच कुल निवेश लगभग 2 अरब 50 करोड़ डॉलर का है। भारत और स्वीडन के मैत्री संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। समाचार कक्ष से भवतारिणी। स्वीडन नरेश भारतीय कंपनियों के साथ समझौतों के लिए उच्च स्तरीय व्यापार शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये शिष्टमंडल दिल्ली और मुंबई में भारतीय उद्योगपतियों के साथ बैठकों में हिस्सा लेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और स्वीडन के बीच संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में प्रधानमंत्री के स्टॉकहोम यात्रा के दौरान संयुक्त कार्य योजना और स्थिर भविष्य के लिए स्वीडन भारत नवाचार भागीदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिल्ली के अलावा शाही दंपत्ति मुंबई और उत्तराखंड भी जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। इस महीने की 16 तारीख को होने वाले मतदान के लिए 15 निर्वाचन क्षेत्रों में 230 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस बीच दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। दूसरे चरण में शनिवार को 20 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 12 दिसंबर को 17 सीटों के लिए मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आदित्यपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC लागू करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में यदि उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस के राज्य प्रभारी RPN सिंह ने पार्टी की चुनावी रैली में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भाजपा की आलोचना की। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नौकरी की तलाश में स्थानीय युवाओं के पलायन का मुद्दा उठाया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, रांची। सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से देश भर में शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य 2 वर्ष से कम बच्चों उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है। चुने गए क्षेत्रों में इंसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएंजा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगले वर्ष मार्च तक चलने वाले इस चरण का लक्ष्य 27 राज्यों के 272 जिलों का पूर्ण टीकाकरण है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सभी से इस मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की। जो भी समाज में देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में गहराई और गंभीरता से सोचता है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने तरीके से आप कृपया इस संदेश को भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इसको फैलाएं और एक भी बच्चा इस बार टीके के अभाव में वंचित न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पहले से चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष की क्षमता और दायरा बढ़ाकर स्वास्थ्य से इतर अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करके रोगों की दृष्टि से अधिक संवेदनशील आबादी तक पहुंचना था।
ये नियमित टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण अभियान पर चार चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण आज से शुरू हो रहा है, जबकि अगले चरण जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में शुरू होंगे, जो प्रदेश के 73 जिलों के 425 ब्लॉक में चलेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 66,000 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 5.5 लाख से अधिक बच्चों और लगभग 1,30,000 गर्भवती महिलाओं को दवाएं दिए जाने का लक्ष्य है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस अभियान के दौरान खास जोर पहले टीकाकरण अभियान के तहत छूटे हुए बच्चों, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों और दूर दराज के इलाकों के साथ ही वनवासी और शहरी कुपोषित बच्चों पर रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु में तिरुवल्लूर, थूथुकुड़ी और रामनाथपुरम जिलों में स्कूल कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, कडलूर और चेन्नई में भी स्कूलों में अवकाश है। तमिलनाडु मद्रास विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय ने आज निर्धारित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के कई जिलों में जलाशयों का जल स्तर बढ़ गया है। इनमें वे जलाशय शामिल हैं जिनसे राजधानी को जलापूर्ति होती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जल स्तर बढ़ने और अचानक बाढ़ आने की स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के लिए स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। बिजली विभाग को भी अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बरसात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ई पलानीसामी आज एक बैठक करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। तेलंगाना सरकार ने पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनकी हत्या के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए हैं। वारंगल में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी हत्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत ने 56 दिन में अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आरोपियों के खिलाफ तेजी से जांच होनी चाहिए और उन्हें बड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया और रोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवार को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। इस बीच जिला बार एसोसिएशन ने चारों आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के रफियाबाद के दलेरी जंगल में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है। एक संयुक्त तलाशी अभियान में विशेष सूचना पर ठिकाने का पता लगाया गया। उन्होंने इस ठिकाने से 2 AK-47 राइफल, 2000 राउंड गोला बारूद, वायरलेस सेट और कुछ कपड़ों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी भर्ती अभियान में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश के 77,641 युवाओं ने विशेष पुलिस अधिकारी के 5,200 पदों के लिए आवेदन किया है। कश्मीर घाटी में इन पदों के लिए शारीरिक परीक्षण का दौर पूरा हो चुका है और भर्ती की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। जम्मू डिवीजन के अधिकांश जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद फसल अवशेष जलाने पर उचित नियंत्रण नहीं होने पर 26 जिलों के पुलिस प्रमुखों से जवाब मांगा है। एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और पुलिस प्रमुखों से इस संबंध में कल तक जवाब देने को कहा है। सरकार ने पुलिस प्रमुखों को पिछले साल 1 अक्टूबर से इस साल 25 नवंबर तक फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं की सूची भेजे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं से राज्य सरकार के सेवा केंद्र कोई सुविधा शुल्क नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई शुल्क देने को कहता है तो उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करना चाहिए। सेवा केंद्रों में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क लेने की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। इस दौरान सरकार दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय विधेयक तथा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश करेगी। विपक्ष भाजपा ने वायु और जल प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है।
जालंधर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कल पंजाब के गुरप्रीत ने 77 किलो वर्ग में रेलवे के साजन भानवाल को हराकर चौथा सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता। रेलवे के सुनील ने 87 किलो में पंजाब के प्रभाल पर आसान जीत दर्ज की। सेना के अर्जुन ने 55 किलो में पंजाब के हरप्रीत सिंह ने 88 किलो में खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में रेलवे पहले, सेना दूसरी और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। दक्षिण एशियाई खेलों में पुरुषों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत वर्तमान चैंपियन है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 3-1 से हराया। महिला वर्ग में भारतीय टीम का फाइनल में मुकाबला कल मेजबान नेपाल से होगा। शनिवार को हुए सेमीफाइनल में भारत ने मालदीव को हराया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की काठमांडू स्थित ऐतिहासिक दशरथ रंगशाला से शानदार शुरुआत हुई। 1984 में इसी स्टेडियम से दक्षिण एशियाई खेल शुरू हुए थे। आतिशबाजी और प्रतिभागी देशों और प्रतियोगिताओं को दर्शाने वाला लेजर शो उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। हालांकि वॉलीबॉल के मुकाबले बुधवार से शुरू हो गए, लेकिन बाकी 25 खेल प्रतियोगिताएं आज से आरंभ होंगी। काठमांडू के अलावा पोखरा और जनकपुर में भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 10 दिन तक चलने वाले दक्षिण एशिया के इस खेल महाकुंभ में 2700 से अधिक खिलाड़ी 319 स्वर्ण पदक समेत कुल 1119 पदकों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए काठमांडू से राजकुमार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के विभिन्न उपाय। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी कॉल कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विमलेंदु। मोबाइल कॉल्स की दरें महंगी होने को आज की अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता लिखता है उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कॉल और डेटा का दौर खत्म। कल से वोडाफोन, आईडिया और एयरटेल तथा 6 दिसंबर से रिलायंस जियो की दरें बढ़ेंगी। प्रदूषण की समस्या पर ढुलमुल रवैये पर दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदूषण पर नहीं चेते राज्य, 23 राज्यों को दिया गया पैसा और प्लान नहीं किया काम। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सारकेगुड़ा कांड की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर राजस्थान पत्रिका लिखता है फर्जी थी सारकेगुड़ा मुठभेड़, 7 नाबालिग समेत 17 लोगों की हुई थी मौत, नहीं था कोई माओवादी। हैदराबाद में महिला डॉक्टर को सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा जलाने की घटना पर देशभर में रोष और ऐसे मामलों के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कई राज्यों ने इस्तेमाल नहीं किया निर्भया फंड, आवंटित धनराशि में से 11 राज्यों ने 1 रूपया भी खर्च नहीं किया। हिन्दुस्तान की खास खबर है रबर के अंगूठे से बैंक खातों में सेंध लगा रहे ठग। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नियमों में किया बदलाव, सौरभ गांगुली 2024 तक रह सकते हैं अध्यक्ष। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन नरेश कार्ल गुस्ताफ से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र वापसी का आज अंतिम दिन। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू होगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।